का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, इंटीरियर एंगल्स का सम n माइनस टू इंटू 180 होता है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, ये कह रहा है कि अगर हर साइड ट्राइंगल की हैज ए लेंथ विच इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2001, सो 2001 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आएगा, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी पड़ेगी। 2001 आपको दिख रहा है कि 3 से मल्टीपल है बिकॉज इसके डिजिट का सम 3 है। उसके बाद आप इसके फैक्टर देखोगे तो 23 एंड 29 ही आएंगे, राइट? ये आप अपने आप से निकाल सकते हैं। सो हमारा जो ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड यूजिंग एटलीस्ट वन, ऑल ऑफ देम, और मे बी एग्जैक्टली टू ऑफ दीज थ्री लेंथ्स। तो कैसे कैसे ट्राइंगल हो सकते हैं, तो पहला केस मैं बनाता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन कौन से हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये आ सकता है कि साइड्स सारी आपने 3 ले ली, 23 ले ली, या फिर आपने 29 ले ली। तो देर आर 3 ट्राइंगल्स पॉसिबल। उसके बाद आ सकते हैं आइसोसेलीस ट्राइंगल। आइसोसेलीस ट्राइंगल में ऐसे हो सकता है कि आपने दो साइड 3 ली और एक 23 ले ली, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इन दोनों का सम इससे छोटा आ रहा है, सम बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है 23, 23 और उसके साथ 3 हो सकता है। आप देख सकते हैं कोई भी दो कसम तीसरी से बड़ा है। ये भी हो सकता है 23, 23 एंड 29। सिमिलरली 29, 29, 3 भी हो सकता है एंड 29, 29 एंड 23 भी हो सकता है बिकॉज किन्हीं भी दो कसम तीसरे से बड़ा है। क्या ये वाला ट्राइंगल आ सकता है 3, 23 एंड 29? ये स्केलिन है, नीदर इक्विलेटरल नॉर आइसोसेलीस नॉर राइट एंगल, बट आप देख सकते हो कि इन दोनों का सम इज लेस देन 29, तो ये भी नहीं आएगा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? टोटल 7 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा और भी अच्छा है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी आइसोसेलीस ट्राइंगल आर देयर सच दैट ईच ऑफ इट्स साइड हैज एन इंटीग्रल लेंथ एंड पेरीमीटर इज 144। ऐसे कितने आइसोसेलीस ट्राइंगल होंगे जिनका हर साइड इंटीग्रल हो और पेरीमीटर 144 हो। तो हम इस तरीके से आइसोसेलीस ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए ए एंड दिस इज बी, दो टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड इज बी। सो देयर आर बेसिकली टू पॉसिबिलिटीज होंगे। अगर मान लो फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें ए बी से बड़ा है, तो आप किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहां पे क्या आएगा। अगर ए बी से बड़ा है तो ए शुड बी ग्रेटर देन, बी की वैल्यू है बेटा 144 माइनस 2a, 144 माइनस 2a, इससे आपके पास आ जाएगा 3a इज ग्रेटर देन 144 और a इज ग्रेटर देन 48। a की जो वैल्यू है वो 48 से बड़ी आनी चाहिए, राइट? अब a की वैल्यू 48 से बड़ी आनी चाहिए एंड b शुड बी ए पॉजिटिव नंबर बिकॉज ये साइड है, एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज 144 माइनस 2a शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमेशा साइड बड़ा होगा। a विल बी लेस देन 72 आ गया यहां से, राइट? आइसोसेलीस का ही सबसेट होता है इक्विलेटरल, तो हम वो चीज भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये बराबर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए यहां पे हम इक्वल टू लेंगे, तो यहां पे भी इक्वल टू आएगा और यहां पे भी इक्वल टू आएगा और यहां पे भी इक्वल टू आएगा। तो ए की जो वैल्यू है वो 48 से शुरू होकर 72 तक जा सकती है, तो 48 से 72। सो क्वेश्चन 3 सेज आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल डी ए ई इज हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी। तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री में आपको करना चाहिए, आपको जो एंगल है उनको मार्क कर दीजिए, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए और एंगल्स को मार्क कर दीजिए। सो मेक बिग डायग्राम एंड मार्क वट एवर एंगल्स यू नो, रिलेशनशिप जो भी आपको पता है उनको मार्क कर दो ताकि आपका समझने में आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल छोटा था, इसको मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा दिया। जो हमें निकालना है उसको मैंने थीटा मान लिया, दिस इज द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल ए बाई टू होगा और ये टोटल एंगल ए बाई टू होगा,
If this is theta, then this is a by 2 minus theta. Now, this is a right angle triangle. A by 2 minus theta plus 90 is equal to this. मतलब ये total 180 होना चाहिए. तो इसको मैंने 90 minus ये कर लिया. Again, this is 90, this is theta, this is 90 minus theta. Because total 180 होना चाहिए. एक और triangle में property होती है कि exterior angle is equal to sum of opposite angles. Exterior angle is equal to sum of opposite angles. तो अब मैंने यही relationship, ये मुझे प्रूव करना है. तो सबसे पहले मैंने 90 माइनस थीटा देखा, दिस इज ए बाई टू प्लस एंगल सी. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. एंड एंगल बी की जो वैल्यू है दैट इज 90 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस ए बाई टू. अब आप क्या करेंगे, एज्यूम दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू. आप टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दें. तो 90 में से 90 चला गया, थीटा माइनस थीटा इज टू थीटा. इसको अगर a बाई टू करोगे तो ये एंगल b माइनस एंगल c बनेगा. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ टाइम्स एंगल b माइनस एंगल c. दिस इज थीटा. तो आपने प्रूव कर दिया कि जो आपको एंगल निकालना है DAE इज बेसिकली हाफ ऑफ एंगल b माइनस एंगल c. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड. तो आपके पास एक बड़ा सा डायग्राम है और उसमें आपको बताना है कि ये आपको सब इक्वल दिया हुआ है. अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा यहाँ पे बना लूँ इस तरीके से, this is a, this is beta, b, c, d, e, f, g and h, this is alpha which is 70. आपको ये relationship दी हुई है कि ए बी और बी सी बराबर है. अगर ए बी और बी सी बराबर है तो ये एंगल भी बीटा होगा, राइट. अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, ओके, अब सी डी भी इक्वल है, उसके बाद डी, ये सब इक्वल है. जो इक्वल है मैंने इक्वल कर दी. सो अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, दिस इज टू बीटा. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, राइट. ये टू बीटा होगा. अगर ये टू बीटा है तो ये भी टू बीटा होगा, राइट. तो अब आपको ये ट्राइंगल देखना है, दिस ट्राइंगल. विजुलाइज दिस ट्राइंगल. ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? तो इसके इंटीरियर एंगल होंगे बीटा एंड टू बीटा. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री बीटा. अगर ये थ्री बीटा है तो ये भी थ्री बीटा होगा. इफ दीज टू आर थ्री बीटा, ये दोनों थ्री बीटा है, तो हम ऐसे विजुलाइज करेंगे. ये वाला ट्राइंगल कितना है? ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में, ये भी एक्सटीरियर है. दिस इज इक्वल टू थ्री बीटा प्लस बीटा. दिस एंगल इज थ्री बीटा प्लस बीटा. थिंक अबाउट इट, ये फोर बीटा हो जाएगा. अगर ये फोर बीटा है तो ये भी फोर बीटा होगा. अब आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, बड़ा ट्राइंगल. दिस इज फाइव बीटा, फोर बीटा एंड दिस बीटा. दिस इज फाइव बीटा, देन ये भी फाइव बीटा होगा. तो सिमिलरली ये सिक्स बीटा आ जाएगा. अगर ये सिक्स बीटा है तो ये भी सिक्स बीटा है और ये सेवन बीटा आ जाएगा. तो आपके पास आ गया अल्फा इज इक्वल टू सेवन बीटा इज इक्वल टू 70. हेंस बीटा इज 10 डिग्रीज. सिंपल एप्लीकेशन. एक तो अगर साइड्स बराबर है तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे, आइसोसेलीस ट्राइंगल. And sum of exterior angle is equal to sum of opposite angles. All right. So next question is, आपके पास there are four points on a plane such that any three points are non-collinear. इसका मतलब कोई भी तीन points line में नहीं है. Then prove that in triangle ABC, ABD, ACD and BCD, उन points की help से आपने triangle बनाए.
देर इज एट लीस्ट वन ट्राइंगल इन विच हैज एन इंटीरियर एंगल विच इज लेस ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 45, मतलब उसका इंटीरियर एंगल इज लेस देन 45, ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो दिस एग्जाम्पल इज मोर लाइक एन ओलंपियाड प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें कोई एंगल फाइंड नहीं करना आपको, इसमें आपको किसी चीज को प्रूव करना है. ठीक है, इसे हम सब कैटेगरी ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल भी बोलेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास अगर ये चार पॉइंट्स हैं तो मैंने तीन पॉइंट्स की हेल्प से ट्राइंगल बनाया, द फोर्थ पॉइंट विल बी इधर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल. तो अगर ये आउटसाइड होगा तो उसको मैंने केस वन मान लिया, अगर इनसाइड होगा तो केस टू मान लिया. राइट, अब मैं स्टार्ट करता हूं. अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल देखो, एसेंशियली क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अगर आप देखो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीसीडीए प्लस एंगल डीएबी इज 360, इन सब का सम 360 है. तो मैं ये मान सकता हूं, आई कैन सेफली एज्यूम दैट, सो देर विल बी बेसिकली टू केसेस, या तो ये सब 90 हो सकते हैं, 90 होंगे तो ये एक सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल या उस तरह का कोई फिगर बन जाएगा. तो मैं सेफली ये एज्यूम कर सकता हूं कि इनमें से कोई ना कोई एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने जो फिगर लिया वो डिस्टॉर्टेड लिया. तो मैं इस एंगल को, एंगल एडीसी को मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एज्यूम कर लिया. मैं ये वाला ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, तो एडीसी को मैंने 90 से बड़ा एज्यूम कर लिया. तो इसके अलावा जो एंगल्स बचेंगे वो कौन से हैं, एंगल डीएसी प्लस एंगल डीसीए. अगर इसका सम 90 है उससे बड़ा है तो उनका सम 90 है उससे कम आएगा. अब दो एंगल्स का सम अगर 90 है उससे कम है तो डेफिनेटली उनमें से एक ना एक, इनफैक्ट यहां पे तो दोनों ही प्रूव हो रहे हैं, एक ना एक विल बी लेस देन 45, बिकॉज अगर 45 से बढ़ गए तो फिर एंगल 90 से बढ़ जाएगा. हमें ये प्रूव करना है इट हैज एन इंटीरियर एंगल विच इज नॉट ग्रेटर देन 45. तो यहां से हमें ये प्रूव हुआ कि 45 से बड़े नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं होंगे. सिमिलरली अगर हम केस टू लें जिसमें हमने चार पॉइंट्स लिए, डी इज इनसाइड, आई कैन से ए डी सी प्लस ए डी बी प्लस बी डी सी, इनका सम 360 है, तीन एंगल्स का सम 360 है. तो मैं सेफली एज्यूम कर सकता हूं कि इनमें से वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 90. तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि कम से कम एक तो इनमें से 90 से बड़ा होगा. अगर ये 90 से बड़ा हुआ या बराबर भी हुआ तो इसके इंटीरियर जो बाकी बचे वो बचे डी ए सी प्लस डी सी ए, उनका सम 90 से कम हो जाएगा. तो अगर इन दोनों का सम 90 से कम है तो डेफिनेटली इन दोनों में से कम एक, इनफैक्ट दोनों ही कैन नॉट एक्सीड 45. एक 45 एक्सीड करेगा तो दूसरा छोटा होगा, दोनों एक साथ एक्सीड नहीं कर सकते. तो जो एक्सीड नहीं करेगा दैट इज द रिक्वायर्ड एंगल. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव किया दो केसेस बना के. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, हाइपोटेन्यूज बी है और दूसरी साइड ए है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, हेंस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच आर इंटीजर्स इज 11 स्क्वायर विच इज 121. तो यहां पे आप बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए कर सकते हो. एक क्लासिक नंबर थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें आप बेसिकली दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो. 121 के कौन कौन से इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर बन सकते हैं, एक तो 1 इंटू 121 बन सकता है, 11 इंटू 11 बन सकता है. अब नेचुरली बी माइनस ए इज स्मॉलर देन बी प्लस ए, तो बी माइनस ए इज लाइक 1, बी प्लस ए इज 121, यहां से आपके पास बी आ जाएगा 61 और ए आ जाएगा 60. राइट, यहां से बनेगा बी माइनस ए एंड बी प्लस ए बोथ आर 11, जो कि आपको बी की वैल्यू 11 दे देगा लेकिन ए 0 दे देगा, जो कि नहीं पॉसिबल होगा बिकॉज साइड 0 नहीं हो सकती. तो आपका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर विल बी 61 प्लस 60 प्लस 11 इज 132.